फिर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, अगेन गेटिंग जॉब, या आपको कोई इंटरव्यू के लिए कोई अप्रोच आया है, आपको कॉल आई है, तो वो चीज़ क्या है, बात तो खुशी की है, आपको एक जॉब मिलने वाली है, लेकिन साथ साथ इंसान को एक स्ट्रेस भी फील होता है ना कि इंटरव्यू में क्या होगा। हालांकि somehow we can say it can lead to a positive outcome, लेकिन आपको जो वो distress feel होता है, that is you stress के मतलब it's not that negative as distress, उसको मतलब आप overcome कर सकते हो and then you can reach out your goals. तो इस example में भी जिस तरह मैंने आपको physical and behavioral mental responses बताए just like the previous slide. अच्छा, the most important thing is why do we stress out? For example, आप हम stress कब होते हैं, या इवन बीट डिप्रेशन, बीट स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी चीज़ हो, हम क्यों वो चीज़ फील करते हैं? फॉर एग्जांपल दो इंडिविजुअल्स होंगे, सिचुएशन एक ही होगी, लेकिन क्यों एक स्ट्रेस फील करता है, एक नहीं करता? व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? One would be able to cope and the other wouldn't be, right? और क्या opinion आपका हो सकता है? Lack of confidence, right? Lack of information. अच्छा, तो ठीक है, सब के answers ठीक है। और कोई कहना चाहेगा, कोई answer देना चाहेगा? I think वो perspective भी आपका matter करता है, जो आप situation को देख के perceive करते हैं कि tackle किस तरह करना है, important. जी बिल्कुल, तो सब के आंसर्स ठीक है, मतलब हाँ द वे वी परसीव अ सिचुएशन ठीक है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, सब के आंसर्स ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर मेंटेलिटी, राइट, कि हमारा एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव क्या है। अब किसी एक ही सिचुएशन है एंड आई एम इंटरप्रेटिंग, माई माइंड इज इंटरप्रेटिंग दिस सिचुएशन इन वन वे, लेकिन समवन एल्स mind is interpreting this situation in other way. तो ये क्या है, difference in perception is because of differences in mentality. अब जैसे for example soft digital या जो devices होते हैं, इसमें कोई चीज़ आप करें तो उसमें error दिखाई देता है ना, इसी तरह errors हमारे mind में भी होते हैं। अब mind में अगर error मौजूद है तो automatically your interpretation of things would be negative, it wouldn't be right. तो हाउ वी परसीव अ सिचुएशन दैट मैटर्स, के मतलब बंदा कंसीक्वेंस में स्ट्रेस की तरफ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं या नहीं जाता, एंड स्पेशली सेल्फ इमेज है, के मतलब मेरा अपने ऊपर बिलीफ क्या है। इफ़ आई डोंट बिलीव के आई कांट कोप विद दिस सिचुएशन, या मैं इस चीज़ को मतलब फेस करने के काबिल ही नहीं हूँ, इन द सेंस माई सेल्फ इस्टीम इज़ वेरी लो, आई हैव अ नेगेटिव सेल्फ इमेज, तो ऑटोमेटिकली आई वुड गेट स्ट्रेस्ड एंड द नेक्स्ट पर्सन वुडंट गेट स्ट्रेस्ड। तो बेसिक चीज़ है हमारे परसेप्शन की, हमारी मेंटेलिटी की, एंड हमारा जो सेल्फ इमेज है अपना अपने ही नज़र में उसकी है परसेप्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं आप सबको देखती हूँ, राइट, तो दिस इज सेंसेशन, आई कैन सेंस यू गाइस के मैं देखती हूँ आपको, दिस इज सेंसेशन, विजुअल सेंसेशन। मेरा माइंड क्या मीनिंग दे रहा है इस देखने को, दैट इज परसेप्शन, राइट, के मतलब अब अगर मेरा माइंड मुझे, अगर इफ़ आई हैड सोशल एंग्जाइटी, तो मेरा माइंड मुझे कहता कि ये सब लोग तुम्हें जजमेंटल व्यूज दे रहे हैं, तुम्हें जजमेंटल लुक से देख रहे हैं, और पता नहीं मेरे, इफ़ आई हैड लो सेल्फ इमेज तो मैं कह देती कि मतलब मेरे बारे में कोई नेगेटिव बिलीव्स रखते हैं मेरे बारे में। तो सोशल एंग्जाइटी या इस तरह जिसका सेल्फ इमेज लो हो, तो उसके माइंड में यही रेसिंग थॉट्स आते हैं, जो उसके बिहेवियर को भी इम्पेक्ट करता है, वो सही वे में वो चीज़ डिलीवर भी नहीं कर सकता, ठीक। तो द डिफरेंस इज़ इन परसेप्शंस एंड आवर ओन सेल्फ इमेज इन आवर ओन माइंड्स, कि मैं खुद अपने माइंड में क्या सोचती हूँ अपने बारे में।